स्वागत समस्त योग जिज्ञासुओं का और संस्कृति अध्यात्म के प्रेमियों का। आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ, जो संदेश स्पेशली जो दिया जा रहा है वो ओशो सन्यासियों के लिए है। इस पर मेरा निवेदन है, ओशो सन्यासी इसे सुने और मनन करें। आचार्य रजनीश के 3 महान कार्य अधूरे छूट गए हैं और उन 3 महान कार्यों को अभी तक किसी ओशो सन्यासी ने उन 3 कार्यों पे काम करने के बारे में सोचा भी नहीं है। मेरा निवेदन है कि ओशो के नाम की केवल माला पहनने से कुछ होने वाला नहीं है। ओशो के नाम पर उछल कूद, नाचना गाना, मटर गश्ती करने से कुछ होने वाला नहीं है। यह उछल कूद एक बहुत बाहर की प्रक्रिया है, लेकिन ओशो जो कहना चाहते थे, जो देना चाहते थे, उस ओर तो मुड़ ही नहीं पा रहे हो। तुम भी वहीं अटक गए जिसके बारे में ओशो कहते थे कि गले में कोई तथाकथित वैष्णव साधु अपने शिष्यों के गले में एक कंठी पहना देता है, एक कंठी तुलसी की लकड़ी पहना देता है, एक शैव नागा सन्यासी एक रुद्राक्ष पहना देता है, और ये इस बात को का सूचक है, प्रमाणित करता है कि तुम किसी के चेला बन गए हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम माला ओशो के नाम की उतार के फेंक दो। यदि तुम्हारा अटैचमेंट है आप पहने रहिए, लेकिन जो ओशो के 3 शेष महान योजनाएं, महान कार्य थे जो अपूर्ण हैं, जब तक वो पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक ओशो की आत्मा को, चेतना को, ओशो के अस्तित्व को मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि ओशो को खुश करना चाहते हो, ओशो के उस विचार को, उस योजना को क्यों नहीं फैला देते? तुम तो केवल ओशो के विचारों को ही केवल पेस्ट करने में लगे हो, कॉपी करने में लगे हुए हो। तुमने जो ओशो ने तुम्हें बीज दिया, उस बीज से क्या तुमने अपने आप में कोई वृक्ष तैयार किया है, कोई पेड़ तैयार किया है कि जिसकी छाया में बैठ करके बहुत सारे जो पीड़ित हैं, जो तप्त हैं, उनका भी हित हो सके, कल्याण हो सके, उनकी प्यास बुझ सके, उनकी बेचैनी दूर हो सके? केवल लंबा सा चोगा डालने से कुछ नहीं होगा। मेरा निवेदन है, आग्रह है कि आओ हम सब लोग मिलकर काम करें। ओशो सन्यासियों से मेरा स्पेशली निवेदन है, जो वास्तव में ओशो को अपना आदर्श मानते हैं, यदि तुमने ओशो का नाम का सहारा केवल अपनी हवस को पूरा करने के लिए, विषय वासना को पूरा करने के लिए और नाचते नाचते धक्का मुक्की करने के लिए यदि तुमने चोगा लिया है, माला पहनी है,
तो निश्चित रूप से तुम में और उनमें जिधर ओशो ने इशारा किया कुछ भी फर्क नहीं होगा। कोई मंदिर के नाम की माला पहने, कोई मस्जिद के नाम की टोपी लगाए हुए हैं और अपनी वासना की पूर्ति कर रहे हैं। तो जो मैं कहने जा रहा हूं, ओशो का पहला काम था, पहला बिंदु था कि इस तरह से सेक्स को, संभोग को स्थापित किया जाए ताकि उससे एक बेहतर संतान का निर्माण हो सके। तो सेक्स से पहले कैसे, क्या करना है, क्या प्रार्थना करनी है, क्या प्रक्रिया करना है स्त्री पुरुषों के लिए, हमें उस विचारधारा पे काम करना है। हमें उस विचारधारा पे काम करने की जरूरत है ताकि अच्छे श्रेष्ठ सेक्स से ही श्रेष्ठ संतान और समाज का जन्म होता है। तो नंबर एक, ऐसे दीप और गहरे प्रयोगों को सीखने की एक व्यवस्था की जाए जहां पर जो भी स्त्री पुरुष अपने सेक्स के दीप और पवित्र गहरे प्रयोग करना चाहते हैं, गुजरना चाहते हैं ताकि एक अच्छी संतान आए उनके गर्भ में, तो उनको एक ऐसा स्थान मिलना चाहिए, एक वातावरण मिलना चाहिए। नंबर एक, एक ट्रेनिंग मिलना चाहिए, एक शिक्षा मिलनी चाहिए। क्या तुम लोग इस पर खुल के बोल पा रहे हो? तुम भी तो डर गए हो, संकोच है तुम्हारे जीवन में। क्यों डर है? ओशो तो नहीं डरे, इसलिए अपने आप को ओशो का भक्त कहना बड़ा अपराध होगा। नंबर दो, जब बच्चा शिशु गर्भ में आ जाए तो उसकी दूसरी योजना थी कि उस गर्भवती महिला को एक गर्भपोषक, गर्भप्रसूति गृह, जब तक बच्चा जन्म ना हो जाए गर्भाधान के पश्चात, उसके लिए वहाँ एक ऐसा सुंदर माहौल दिया जाए, एक व्यवस्था दी जाए ताकि जैसी संतान चाहते हैं, महिला के गर्भवती महिला के आसपास का ऐसा वातावरण हो कि यदि महिला या दंपति, पति पत्नी चाहते हैं कि उनका संतान वैज्ञानिक हो, उनका संतान वीर हो, उनका संतान डॉक्टर बने, एक महान विचारक बने, कुछ भी बने, तो उसके लिए एक ऐसा भवन हो, एक ऐसा केंद्र हो, एक ऐसा आश्रम हो जहाँ पे सुरक्षित उनको रखा जा सके। जैसे कि कुम्हार अपने कच्चे मिट्टी के घड़ों को अपने आवे में रखता है, जिस तरह से हम कच्ची मिट्टी की ईंटों के लिए सांचे से में हम फिर उसको नीचे एक जमीन के अंदर एक व्यवस्था देते हैं, एक तापमान देते हैं, एक टेम्परेचर देते हैं। ऐसा बच्चा जब समाज में आएगा अच्छे सांचे में ढला हुआ, है ना, अच्छे मुहूर्त में गर्भाधान किया हुआ, वो एक समाज के लिए रचनात्मक योगदान देगा। नंबर तीन, जब पवित्र सेक्स होगा, पवित्र संतान होगी, पवित्र समाज का निर्माण होगा, तभी तो एक आध्यात्मिक व्यवस्था पैदा होगी, एक प्रयोग सिद्ध व्यवहारिक अध्यात्म होगा फिर, ना कि केवल ओरली होगा, ना कि केवल मौखिक होगा। अध्यात्म पूर्ण किए हुए सेक्स से ही एक आध्यात्मिक संतान की रचना हो सकती है, एक आध्यात्मिक समाज की, एक राम राज्य की वापसी इसी तरह हो सकती है। राम का राज माने सत्य का राज, अध्यात्म का राज, साहस का राज, पलायन का नहीं, भगोड़े का राज्य नहीं। राम राज्य का सिर्फ इतना ही मतलब है कि बेहतर व्यवस्था। जब तुम्हारा संभोग ही बेहतर नहीं होगा तो तुम्हारी संतान और समाज के बेहतर होने की जो परिकल्पना है वो निराधार है।
वो व्यर्थ है, बेकार है। इसीलिए मेरा निवेदन है समस्त ओशो सन्यासियों से कि आओ, मैं आमंत्रित करता हूं कि हम लोग एक मिलके काम करें। यदि आप लोग मेरी विचारधारा से सहमत हैं तो ओशो के ये तीन महान कार्यों की स्थापना के लिए योगदान दें। हालांकि मेरा जन्म ओशो के शेष कार्य को पूरा करने के लिए ही हुआ है, वो करवाना चाहते हैं बचे हुए कार्य को पूरा। यदि आप लोग उसमें योगदान देना चाहते हैं तो केवल उछल कूद से कुछ होने वाला नहीं है, आपको खुल के बोलना पड़ेगा, आपको गहरे प्रयोग की ओर ले जाना पड़ेगा, आपको एक अच्छी व्यवस्था देनी पड़ेगी। अगर किसी के पास में, मेरा निवेदन है कि अगर आप लोगों के पास में बेहतर व्यवस्था है, आप मुझे वहाँ बुलाइए और मैं आपके साथ में काम करने के लिए कंधे से कंधा मिला के करने को तैयार हूँ, ताकि हम, हमारा दर्शन, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा पूरा भूमंडल सुंदर बन सके। हो